आग लगाओ उसके अंदर तेजी से। कहां से पकड़े थे? शमशान से, कब्रिस्तान से। जोर से बोल। अब मारने वाला बच्ची को अम्मास में पुन्नम में अम्मास में मार देने वाला है। अच्छा, इसको बीमारी में डाल के मारने वाला है क्या? सुसाइड करा के बीमारी में डाल के। अच्छा, और कौन करा जादू? उसके ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से लोग जादू करने वाले। जोर से। कहाँ से है? मायके वालों ने करे क्या ससुराल वालों ने? कौन करे? ससुराल वालों ने? नहीं। मायके वालों ने? नहीं। फिर दोस्त आने के लोग आते? कहाँ रहती वो? अच्छा, दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी? साफ साफ बोल। वो दुश्मनी थी। अब इसको मार देने वाले हैं। कौन से भी अम्मा से मौका देख के मार देने का था। अच्छा, सायमा क्यों करेंगी जादू? बाहर काटे। झगड़ो उसको और तेजी के साथ में। कब्रिस्तान से पकड़े जादू। कहाँ से? हिंदी में बोल। कौन सी जबान में बोल रहा कमी ने? वो हम लोग बोल रही है। अच्छा, कौन सी भाषा है वो? जाति भाषा बोल रही है। यूपी का जकड़ो जकड़ो उसको तेजी से काट के दो टुकड़े कर देंगे उसके। हाँ, दो टुकड़े कर देंगे तेरे, काट के और बाहर टांग देंगे। अंदर बैठ बैठ कर बहुत लोगों की जान ले रहा है। अभी तक कितने लोगों को मारा? कहाँ से पकड़े थे तुझे? शमशान से, कब्रिस्तान से। हाँ, कहाँ से? कहाँ से पकड़े थे? कहाँ से पकड़े थे? नहीं छोड़ते तुझे, पूरा मार के खत्म कर देंगे। हाँ, 3 साल से। क्या तकलीफ दे रहा था उसे 3 साल से? हाँ, फिर क्यों उसके आंग में घुस के बैठा? बाप का राज चल रहा है। बसा शादी किया हमने, खाली चिल्ला रही, गड़े में कूद गई। अरे हाँ, क्यों कुदाया उसको गड़े में शादी के टाइम पे? हाँ, एक दिन मेरे घर पे मेरे पास नहीं। बहुत जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। किस चीज में खिलाए थे? क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जल्दी बता, हिंदी में बोल। कमीने, किस चीज में दवा खिलाए थे? क्या लेकर गए थे जादू चलाते टाइम पे? उसका कपड़ा, बाल, चप्पल, मट्टी क्या लिए थे? बाबा हरा कपड़ा लिए थे इसका। किस चीज का था? शर्ट का, पैंट का, कई का? अच्छा, कौन लेकर था? औरत ने, आदमी ने? प्लाजो लेके पहनने के लिए। हाँ, और ही जाकर जादू कर दिए इस पे। चल तो दबा कर दोबारा करेंगे उसको परेशान? जादू चलेंगे उस पे? रात में आके अल देंगे उसके घर में? हाँ मियाँ भी लड़ाइयाँ लगाएंगा, तकलीफ डालेंगे उसके आंग में, बीमारियाँ लगाएंगा उसको, तो तौबा कर मैं तुझे दोनों हाथ काट दूंगा। तौबा कर जोर से, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह कर, तौबा जोर से, अल्लाह तौबा सब करेंगा दोबारा। चल छोड़ उसको, जल्दी निकल मार के पसंद कर देंगे, छोड़ उसको, जाओ उसको नाला को पकड़ के ले जाके बन के मार के खत्म करो उसको। पानी पीने गिलास में पानी है उसमें है। यो ये तो जादू कोना रहता है, ये सब अलग अलग किस्में भी होती है उसके अंदर, अलग अलग डिफिनेशन, अलग अलग एरिया है उसके। सब एग्जांपल कैसा बताऊँ आपको, सब किस्में अलग 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 वार है, वार पे डिपेंड करता है कितने किस्म के वार है, कैसे वार चल रहे, क्या दास्तान है, वो उसी हिसाब से। और ऐसा रहता है कि ये पेशेंट को कई तरीक़ों से तकलीफ देते, किसी किसी को चलाकर शरीर के अंदर गर्दा लगा देते, तकलीफें लगा देते, किसी किसी की बीमारी लगा देते, किसी जादू टोने से सब होता, हर चीज़ है, हर चीज़ के तरीके, बीमारी तक किसी के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ये अपनी ताकत है, उसके तरीके रहते, सब चीज़ों के अलग अलग तरीके हैं। उसको रोटी के टुकड़े करते हैं, रोटी टुकड़ों को क्या करते हैं, 27 टुकड़ों को पड़ के उली जाकर कुत्तों को जानवरों को खिला देते, और खिलाकर उसका नाम ले लेते, जिसके भी ऊपर ट्रांसफ़र करना बीमारी, उधर से उधर चली जाती बीमारी। ऐसे तरीके हैं ये सब, तो ये बहुत सारे अलग अलग डिफिनेशन, अलग अलग क्रिया उसके अंदर, लेकिन ये सब कट के जल के वसम हो जाता, राख हो जाता, क्योंकि ये सब की कोई जादू की मिसाल नहीं है अल्लाह के कलाम के सामने। इंसान को भी अल्लाह ने बनाया, शैतान को भी अल्लाह ने बनाया, जानदार को भी अल्लाह ने बनाया, बेजान को भी अल्लाह ने बनाया। हर शय और हर चीज़ और हर मखलूक अल्लाह के हुक्म की गुलाम है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह तुम्हारे जानदारों पे भी हुकूमत करता, तुम्हारे बेजान पे भी हुकूमत करता, सब चीज़ों पे हुकूमत करता। इसलिए बेहतर है कि कलाम इलाही के रसीद महसूस करना, जिक्र अस्कार और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करना, इबादत की राह पर तुम चलेंगे तो ये सब हवाओं से, बलाओं से, आफतों से महफूज रहेंगे। और मैं क्या बोलूँ, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अल्लाह तमाम उम्मत मोहम्मद या सबको जितने भी अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रसूल को आबरू की जान माल की मुकम्मल तौर पर अल्लाह हिफाजत करना। जो इंसान पर जादू चल जाता और जो इंसान परेशान रहता, उससे पूछो उसके घर का हाल क्या रहता, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक कंडीशन से मजबूर कर देते, पूरा जादू को पहले जकड़ लेते और फिर बाद में शरीर को गलाना चालू कर देते। मतलब की खास बादल की है, पहले तुम्हारे पास कितना पैसा खिसका देते और आने वाले सारे काम तुम्हारे ठप करा देते, कौन सा काम बनने नहीं देते। यह मलबजात की बलाओं की खास बात है। फिर क्या करते हो, बलाएँ फिर तुम्हारे शरीर को गलाना चालू कर देते, सड़ाते गलाते, अंदर पूरा सा निचोड़ देते, पूरी ताकत खून पी लेते, कमज़ोर कर देते और लास्ट में ख़त्म कर देते, ज़ाया हो जाता पेशेंट। अगर इबादत की राह और अल्लाह वालों के अंदर से दूर होगा तो फिर तो ज़ाया हो गया। और अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन के दर पकड़ के रहेंगे तो तुम ये सब बलाओं से, वबाओं से महफूज रहेंगे, क्योंकि अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज़ पहुँचाता। उस ज़मीन का कितना फैज़ देगा, ये ज़मीन कोई ज़मीन की और ये गैलेक्सियों की औकात नहीं है अल्लाह के नूर को बर्दाश्त करने की। सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सूरज को बनाने वाले को क्या बर्दाश्त करेंगे, उसके नूर को क्या बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए उन्हें अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज़ पहुँचाता, वो नहीं आता ज़मीन पर, चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज़ पहुँचाता। और ये वबाओं में, ये बलाओं में, ये आफतों में जो तुम गिर जाते हो, परेशान होकर गर्क होकर ख़त्म हो जाते, कि तुमको अल्लाह नहीं डालता है, तुम्हारे आमाल तुम पर यह अज़ाब डालते, कि तुम्हारे आमाल तुमको ले जाकर डुबाते, तुम्हारे आमाल तुम्हारे जहन्नुम का ईंधन बनाते। अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए जन्नत बनाया, अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए नियामतें रखा, अब यही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे, अल्लाह ने बता दिया सारे बातें। क्योंकि अल्लाह को पता था कि तुम इतने बेगैरत लोग हो और तुम इतने बेगैरत है तुम में से कुछ लोग जो अल्लाह का खा के, अल्लाह के रोज़ ज़मीन पर के उसका शुक्र अदा नहीं करते, शैतान की इबादतें करते, शैतान की बुत परस्तियाँ करते, बेगैरतों नालतों नालतें बरसी तुम्हारे ऊपर कमबख्तों, और उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे। वो खालिक, वो मालिक, वो रब्बुल आलमीन, जिसने क्या बोलते तुम्हारे हर वो चीज़ अता करा, तुमको हर वो नियामत से सरफराज करा, तुमको पानी दिया, हवा दिया, छाँव दिया, धूप दिया, दिन दिया, रात दिया, यहाँ तक कि तुम्हारा जोड़ा दिया, बीवी दिया, बच्चे दिया, हर चीज़ में तुम्हारा सुकून दिया था। क्या नहीं अदा करा, कितना एहसान है मालिक का। बताओ तुमने कितने बार अल्लाह का शुक्र अदा करे। सजदे में सर रख के, नालायक हो सजदे में सर रख के अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम 24 घंटे भी अल्लाह का शुक्र अदा करे तो तुम उसका एक क्या बोलते थे इतना कहीं बराबर भी एहसान नहीं चुका सकते, कहीं कुछ ही दिन चुका सकते तुम एहसान। अल शुक्र को अदा करा करो अल्लाह का। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे।